हिंदुस्तान ये हम लोग का है। हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से बुजुर्गों पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर हम लोगों को हिंदुस्तान दिया, बड़े उम्मीद के तहत दिया कि मैं हिंदुस्तान। हमने हिंदुस्तान की बात किया, जहाँ हो रहा है गड़बड़ होगा तो निश्चित भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं ये साफ कर रहा हूँ, भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, विकास का मुद्दा रखना चाहिए। इससे भाईचारा नुकसान होगा तो हम आप नहीं बैठ पाएंगे, अंदर कहीं ना कहीं कष्ट होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो भी हो रहा है, ऐसा कुछ न हो। देश में चल रहे ज्ञान वापी मामले को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे देश का सौहार्द बिगड़ेगा। विकास के काम को करना चाहिए और इस तरह की बातों से जमा खान जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐसे में जिस प्रकार से जो भी बातें चल रही है ज्ञान वापी को लेकर, जो कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है या फॉल है, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसे में देश का सौहार्द बिगड़ेगा और जो भाईचारा है उससे उसको ठेस पहुंचेगा और भाईचारा में दरार आएगा। इस तरह की बातें जेडीयू के नेता कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो ज्ञान वापी में मस्जिद में कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है और शिवलिंग भोलेनाथ का बताया जा रहा है, इसको लेकर खुदाई की बात चल रही है, तो कई तरह की बातें इसको लेकर सामने भी आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात पर चुप्पी साधी है, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं जमा खान, उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐसे में देश का सौहार्द बिगड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर ये सब चीज़ों को नहीं रोका गया तो जो कहा जाए कि धर्म के नाम पर इस तरह की बातें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान, सुनवाते हैं उनके बयान। तरफ का माहौल एक है, क्या कहेंगे आप? गए थे बनारस भी, गए थे हम लोग जो है सेकुलर है, सबको लेकर चलने की बात है, जो संविधान है, जो संविधान के मुताबिक चलने की बात करते हैं, जिसमें किसी को चोट न लगे, कोई वर्ग समुदाय का हो उसको तकलीफ न हो, उसको मानने वाले हम लोग हैं और मेरी पार्टी मानने वाली है। वहाँ का मैंने भी सुना है, चल भी रहा है। मैं यही कहूँगा, मैसेज देना, जो होना है होगा, हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैसेज दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ न हो जिससे कि भाईचारा आपस का बिगड़ जाए। हिंदुस्तान को बनाने में, सींचने में बड़ा लोगों ने कड़ा मेहनत किया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से हिंदुस्तान को संभाल कर हमको दिया है, उसको लेकर हमको चलना चाहिए। मैं किसी वर्ग जात की बात नहीं करता हूँ, ये जरूर तकलीफ होगा कि हिंदुस्तान अगर बिगड़ेगा, निश्चित बिगड़ेगा, ऐसे हालात अगर होंगे तो बिगड़ेगा, भाईचारा तो खत्म हो ही जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमको 30,000 मंदिर हम वापस लेके आएंगे। आपको लगता है सर कि माहौल खराब करने की कोशिश? 30,000, 20,000, 50,000 बात नहीं है, इससे विकास का नहीं होता है। समझिए, बहुत सारे मंदिर मस्जिद हैं जहाँ की न पूजा हो पाता है, नमाज पढ़ पाता है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को अगर संवारना है तो सबके दिल दर्द को सोचना होगा, समझना होगा। और मैं इस बात को बराबर करता रहता हूँ, आपके बीच के माध्यम से मैं मैसेज भी देता हूँ कि हिंदुस्तान ये हम लोगों का है। हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से बुजुर्गों पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर हम लोगों को हिंदुस्तान दिया, बड़े उम्मीद के तहत दिया कि मैं हिंदुस्तान। ज्ञान वापी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, हमने हिंदुस्तान की बात किया, जहाँ हो रहा है गड़बड़ होगा तो निश्चित भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं ये साफ कर रहा हूँ, भाईचारा नहीं बिगाड़ना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, विकास का मुद्दा रखना चाहिए। इससे भाईचारा नुकसान होगा तो हम आप नहीं बैठ पाएंगे, अंदर कहीं ना कहीं कष्ट होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो भी हो रहा है, ऐसा कुछ न हो, क्योंकि संविधान में सब नहीं है, संविधान बड़ा लचीला है, संविधान सबको आस्था का बना हुआ है। बिहार में भी देखेंगे, बिहार में भी मंदिरों की जमीन पर कब्रिस्तान की घेरा, हिंदुस्तान देखें ना, अलग बात है। मैं जो कहा हिंदुस्तान देखें, हम क्या कर सकते हैं? अगर होना क्या चाहिए, होना यही चाहिए भाईचारा न बिगड़े, ये किसी को वर्ग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए बता तो रहा हूँ, ऐसा नहीं होना, वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मिलने की बात आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, विकास के विषय को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं जो कह रहा हूँ उसकी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए तकलीफ तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को संवारना है, विकास करना है, तो विकास की बातें करें, हिंदुस्तान को संवारने मोहब्बत की बात करें। मैं इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी आस्था का जो भी बुक है, जो भी किताब है ग्रंथ का, उस किताब में सब में लिखा है भाईचारा मोहब्बत की बात करता है। मैंने बराबर कहा है कि एक बार नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भगवान खुदा माफ़ कर सकता है, पूजा नहीं करेंगे तो माफ़ कर सकता है, मगर भाईचारा मोहब्बत बिगड़ जाएगा तो कोई ग्रंथ कोई